नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम खत्म करेंगे, जिसके अंदर प्रेपोजिशन बाकी है, कंजेक्शन बाकी है और इंटरजेक्शन बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन। गॉट इट? देखो मैंने क्या लिखा है प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर क्या करता है ये? जो रिलेट करेगा या फिर कनेक्ट करेगा। बात सेम है, दैट रिलेट कनेक्ट ए नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की। ठीक है, क्या कहता है? प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा किसी दूसरे वर्ड से। ठीक है जी, तो उसी वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? प्रेपोजिशन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रेपोजिशन है कोई, एट है, ऑन है, विद है, इन फ्रंट ऑफ है, सारे के सारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। इनमें से कोई से भी है प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद मैंने कई बार समझाया है, हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो क्या कहता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या करता है ये प्रेपोजिशन? इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है ना, और वो दूसरा वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपका वर्ब हो सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन को, प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में दिए हुए दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है, उसी वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। गॉट इट? जैसे देयर इज ए बुक। ए बुक एक नाउन है। ठीक है जी, द टेबल भी क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, ओन प्रेपोजिशन होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेपोजिशन है ना, इस नाउन को इस नाउन से क्या कर रहा है? रिलेट, उसका संबंध बता रहा है। संबंध का मतलब ये है कि ये नाउन ना इसके नीचे है, ऊपर है, साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ये इसका रिलेशन होता है। गॉट इट? कहने का मतलब ये जो प्रेपोजिशन है इस नाउन का इस नाउन के साथ रिलेशन बताता है, तो इसी वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? प्रेपोजिशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन के बारे में, वो आपको बताएंगे। देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रेपोजिशन आए, कोई भी हो, ठीक है जी, उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि एक प्रेपोजिशन हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एटलीस्ट वर्ड कितने हो गए? दो। और जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स हो, उसे हम फ्रेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्रेज। तो यानी कि ये एक फ्रेज बनेगा, phrase, फ्रेज बनेगा। और याद रखना, जब प्रेपोजिशन के साथ जो फ्रेज बनता है ना, वो दो प्रकार का बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज हमेशा दो प्रकार का बन सकता है। पहला हो सकता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा हो सकता है आपका एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। गॉट इट? मैंने ये बताया है कि प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज दो प्रकार का हो सकता है। पहला आपका एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरा क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। अब हमें कैसे पता चले? तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई अगर आया हो वो एडजेक्टिव होता है, याद आई वो क्लास, या फिर विच का रिप्लाई जो होता है वो भी आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी कि अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देगा और विच का रिप्लाई देगा, तो वो क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव फ्रेज। वैसे ही एडवर्ब किसका रिप्लाई होता है? वहन, वेहर, वाही एंड हाउ। अगर इनका रिप्लाई आया है तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रेज। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बॉय इन द कार फेल्ट वेरी नर्वस। एक और लिखते हैं, दूसरा द बॉय
पुट द बैग अंडर द बॉक्स। दो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो द बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है जी, इन क्या होता है प्रीपोजिशन, और इसके बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। कई बार सिखा चुका हूं, जैसे ही प्रीपोजिशन आएगा उसके डायरेक्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। फेल्ट यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट क्यों है, क्योंकि प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है जरूरी है। ये आपकी वर्ब है, ठीक है, जो नर्वस है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा आपका एडवर्ब। अब सुनो, ये ऐसी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होने के कारण यहां पे क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब नहीं आया, ठीक है। हम इसको समझते हैं, देखो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और अभी बताया था अगर कभी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो फ्रेज बनेगा, इसका मतलब फ्रेज है, समझ में आ गया सबको। अगर ये फ्रेज है तो दो प्रकार का एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज बनेगा, तो कौन सा है, देखो द बॉय, मैंने कहा विच बॉय, अरे कौन सा लड़का, विच बॉय, और विच का अगर रिप्लाई आया हो तो हमेशा क्या कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। वोट इट, बहुत आसान है, समझ पा रहे हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द बॉय पुट द बैग, देखो इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पुट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट आया। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट होगा, कहा क्यों होगा, क्योंकि बुक्स तो नाउन होता है, और जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर एंडर को क्या मानूंगा, प्रीपोजिशन मानूं, और क्या मानूंगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो वर्ब के बाद आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है, वर्ब तो आ चुके सेंटेंस के अंदर, है ना, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, प्रीपोजिशन का है। अगर ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेज बनेगा अगेन। अगर ये फ्रेज बनेगा तो दो प्रकार का बनेगा, कौन कौन सा, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो कौन सा है, देखो द बॉय पुट द बैग, किसी ने पूछा वेयर, कहां रखा, और वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या आता है एडवर्ब, तो कौन सा फ्रेज बनाइए, एडवर्ब फ्रेज, बहुत आसान है, ठीक है, एक बार आप उतारिए इसको। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा सेंटेंस के अंदर दिए हुए दूसरे वर्ड से, ठीक है जी, वो जो दिया हुआ दूसरा वर्ड है वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो फ्रेज बनेगा, और फ्रेज हमेशा दो प्रकार का बनेगा, यानी प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, और वो दो प्रकार का होता है, पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। पहचान क्या होती है, एडजेक्टिव होता है व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई या विच का रिप्लाई, और एडवर्ब होता है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई। मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा।